गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चला हमारा क्लास। हम लोगों ने रिवीजन कर लिया था, रिव्यू कर लिया था। रिव्यू क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली थी। और आज हम लोग देखेंगे सजेशंस ऑफ राइटिंग रिव्यू, यानी कि समीक्षा लेखन हेतु सुझाव। कुछ कुछ जब लिखते हैं तो उसके बारे में पहले से हम लोग को जान लेना चाहिए कि किस तरीके से होता है। तो उसका कुछ सुझाव है यहाँ, सब जो समीक्षा लेखन है उसके कुछ कुछ सुझाव है, तो उसको आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार जब हम किसी लेख को पढ़ते हैं तो पूरे प्रकरण का अंदाज़ा हो जाता है। जब हम लोग पहली बार पढ़ते हैं किसी लेख को तो हमें पता चल जाता है कि क्या क्या फ्रेमिंग किया हुआ है। उसके बाद हम लेख के गुण व दोष के बारे में विचार करते हैं। जब पढ़ते हैं उसके बाद हम लोग को पता चल जाता है कि उसमें गुण क्या क्या है और दोष क्या क्या है। इसके लिए लेख को दोबारा पढ़ना होता है। फिर से हमें दोबारा उस लेख को पढ़ना पड़ता है, रिव्यू करने के लिए दोबारा पढ़ना पड़ता है। लेख को पुनः लिखने के लिए दिशा निर्देश बना लेना पड़ता है। फिर उसके बाद अपने रिव्यू को लिखने के लिए जो भी उसने पढ़ा है उसको लिखने के लिए दोबारा से उसको क्या करना पड़ता है, निर्देश बनाना पड़ता है, अपना माइंड को सेट करना पड़ता है, एक फ्रेम बनाना होता है, प्लान करना होता है, निर्देश करना होता है कि क्या क्या मुझे इसमें डालना है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद गुण दोष को देखने के बाद फिर दोबारा से उसको पढ़ना है और एक माइंड मैप कर लेना है कि फ्रेमिंग कर लेना है कि क्या 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 लिखना है उसमें। नेक्स्ट है, लेख की आवश्यक जानकारी जैसे शीर्षक, रचयिता आदि का नाम होना चाहिए। जो लेख आप पढ़ रहे हैं उस लेख का जो जिसने लिखा है यानी कि उसका रचयिता जो है उसका नाम होना चाहिए, शीर्षक का नाम भी होना चाहिए, टॉपिक का जो नाम है वो भी होना चाहिए। लेख के प्रकाशन तिथि व अन्य जानकारी को प्रकाशन केंद्र को देना तथा अपने लेख का विवरण सटीक होना चाहिए। जहाँ से प्रकाशन हुआ है वो लेख उसका डेट होना चाहिए और अन्य जानकारी मतलब वो पब्लिश कहाँ से हुआ है या प्रकाशन कहाँ से हुआ है उसकी सारी डिटेल होना ज़रूरी है और जो भी आप लिख रहे हैं वो सटीक होना चाहिए। नेक्स्ट है, समीक्षा लेखन प्रत्येक व्यक्ति पढ़ते हैं अतः अपने लेख को स्थानीय जर्नल अखबार में प्रकाशित करना चाहिए जिससे लोग के दृष्टिकोण का पृष्ठ पोषण प्राप्त हो सके। यानी कि समीक्षा लेखन जो होता है वो मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं, अतः आपने जो लेख लिखा है उसको स्थानीय आपके एरिया में किसी पत्रिका में या अखबार में उसको प्रिंट कराना ज़रूरी है ताकि वहाँ से लोग पढ़े और उसके बारे में अपनी दृष्टिकोण और पृष्ठ पोषण दे सके, मतलब उसके बारे में फीडबैक दे सके। जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में अखबार में उसकी रिव्यू लिखना चाहिए और ताकि वो लोग अपनी राय दे सके, आपके स्थानीय लोग जो हैं उसकी राय दे सके। नेक्स्ट है, लेख का मूल्यांकन करते समय अपने विचारों को अवश्य दर्शाएं। जब आप लेख का मूल्यांकन कर रहे हैं तो अपने विचारों को अवश्य दर्शाएं, अपने अपने आपका खुद का जो विचार है उसको ज़रूर मेंशन करें। आपके विचार लेख के विवरण तथा प्रमाण से सुमेलित होता है। क्या है, आपके विचार जो है लेख के साथ विवरण तथा प्रमाण में सुमेलित होता है। आपका विचार जो है क्या वो सुमेलित होता है या नहीं, जो प्रमाण आपने इकट्ठा किया है रिव्यू के लिए क्या वो एविडेंस उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए क्या है मूल्यांकन करते समय अपने विचार ज़रूर रखें। तो आज आपने देखा कि समीक्षा लेखन हेतु सुझाव क्या क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और है जिसमें पूरे सभी जो सजेशंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा ये है टॉपिक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया है। यदि नहीं आया है तो आज हम क्लास में इसे डिस्कस कर लेंगे और अपने जितने भी डाउट्स हैं उसे क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।